हेलो दोस्तों, जैसा कि आप मुझे देख रहे हैं मुंबई प्लस पे, मेरा नाम हुसैन शेख है और मेरे सामने कैमरा लेके खड़े हैं कादर हुसैन शेख। आइए आज कुछ खास मुलाकात मिस्टर मजीद शेख से। राष्ट्रवादी कांग्रेस से जुड़े थे पिछले 15 सालों से। इन्होंने अभी हमसे आके ये कहा है कि ये रिज़ाइन दे रहे हैं। किस लिए रिज़ाइन दे रहे हैं और क्या बात है, आइए इनसे जानते हैं। हेलो मिस्टर मजीद शेख, आपका स्वागत है मुंबई प्लस न्यूज़ में। वेलकम, थैंक यू। क्या बात हो गई जो आपने 15 सालों का जो आपका दौर था उसको छोड़ के, उस रोड को छोड़ के आप अभी दूसरे रोड पे टन मार रहे हैं? मुझे लगा कि आप राष्ट्रवादी छोड़ देनी चाहिए। राष्ट्रवादी में बहुत सारे बड़े बड़े जवाबदार जिम्मेदार लोग आ गए, तो हमको जिम्मेदारी संभालने की कोई ज़रूरत भी नहीं है और हमको कोई मौका भी नहीं मिला। और जहाँ बड़े बड़े नेता राष्ट्रवादी छोड़ दे रहे हैं, मेरे एक छोटे से कार्यकर्ता के छोड़ने से किसी को कुछ फ़र्क नहीं पड़ने वाला है, तो मैं समझता हूँ राष्ट्रवादी छोड़ देना बेहतर है। और अब कहाँ जाना है, क्या करना है, ये अब तक के कुछ तय नहीं किया है, लेकिन राष्ट्रवादी को मैं आज से रिज़ाइन करता हूँ, ये मेरा स्टेटमेंट रहेगा। क्योंकि लोग आते जाते जहर घोलते हैं, प्याला खामोश रहता है मगर चम्मच बोलते हैं, तो मेरे 4 लफ्ज़ों में मैं समझ सकता हूँ लोगों को क्या कहना चाहता हूँ मैं, तो राष्ट्रवादी को आज से मैं अलविदा कहना चाहूँगा। अच्छा, इसके पीछे कोई आपने कारण नहीं बताया, मतलब चम्मच हंडी इंडिया आपने बताया तो हमने समझ गए कि किस तरफ आप जा रहे हैं, मगर ऐसा है कि अभी आपको वंचित अगाड़ी जो यासीन तांबुली है उनके साथ में भी देखा गया, तो क्या हम ये सोच समझें कि आप वहाँ पर वहाँ के तरफ रुख कर रहे हैं? वंचित अगाड़ी, यासीन तांबुली जो है, उनका हमारा घर का संबंध है। आज से नहीं, तकरीबन 20 साल से वो उनका मेरा घर आना जाना है, मेरा उनके घर आना जाना है। वो एक अलग चीज़ है कि वो पार्टी अलग है और हम लोग अलग है। मैंने ये नहीं कहा अब तक के मैं वंचित में जा रहा हूँ, लेकिन पार्टी छोड़ने का कारण वंचित अगाड़ी नहीं है। मैं अपने कुछ जाति कारण के वजह से पार्टी को रिज़ाइन कर रहा हूँ। ऐसा है मजीद शेख, जैसा कि हमने ये देखा अभी आपको 15 सालों से जुड़ने के बाद, अब अचानक जब हवा फैल रही है MLA इलेक्शन की, तब आप ये पार्टी छोड़ रहे हैं, तो इसमें कोई बड़ा कारण ऐसा नज़र आ रहा है हमें, तो क्या सच हो सकता है ये कारण? बात अगर MLA आने के बाद की बात अगर करोगे आप, तो जहाँ तक के मैं समझता हूँ मुंबई के बहुत बड़े एक लीडर है संजय दीना पाटिल, जिन्होंने MLA इलेक्शन डिक्लेयर के बाद पार्टी को रिज़ाइन दिया। इसका ये मतलब नहीं कि MLA के वजह से वो पार्टी को रिज़ाइन करें, और मेरा भी ऐसा कोई कारण नहीं है कि मैं MLA के वजह से रिज़ाइन कर रहा हूँ। ऐसा है कि MLA से हमारा कोई ताल्लुक़ नहीं है, क्योंकि MLA में जो आदमी खड़ा है उस आदमी से हमारी कोई शिकायत नहीं है। बहुत अच्छा आदमी है, बहुत अच्छे काम किया है चीता कैंप में। इससे पहले भी मैंने स्टेटमेंट में कहा है कि बहुत अच्छे काम हम MLA ने किया है राष्ट्रवादी के, तो मैं उस आदमी से मेरी कोई शिकायत नहीं है। मेरा जाति कारण है कुछ, जिस वजह से मैं पार्टी छोड़ रहा हूँ। मैंने बार बार यही कहा है कि मेरा जाति कुछ मामला है जिसके वजह से मैं पार्टी छोड़ रहा हूँ। शुक्रिया मजीद शेख हमसे बातचीत करने के लिए।